नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम फिजिक्स देख रहे थे। फिजिक्स में हम क्या देखें, यूनिट यूनिट किए हैं। आज हम करेंगे गति। गति में क्या क्या चीज़ें हैं सब देखते हैं। गति करने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कौन कौन सी राशि क्या है। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? वो राशि, अदिश राशि मतलब ऐसी भौतिक राशि। पहली बात तो क्या है, एक भौतिक राशि है, ठीक। दूसरी बात क्या है, वो भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होते हैं। क्या होगा? परिमाण, दिशा नहीं होगा, दिशा नहीं होगा इसमें। उसको हम बोलेंगे क्या, अदिश राशि। जैसे में अगर हम बात करें द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें करते हैं? केजी में, ठीक। इसमें कोई दीजा नहीं है, केवल और केवल परिमाण है। कितने केजी? 5 केजी, 10 केजी, 50 केजी, ठीक। उसके बाद करेंगे चाल। चाल जो है अदिश राशि है, लेकिन वेग जो है वो सदिश राशि है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक। उसमें डायरेक्शन भी होता है। चल हो गया। उसके बाद आयतन, आयतन के बाद हम बात करें कार्य। ये सभी जो है अदिश राशि के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में अक्सर ये पूछ लेता है, पूछ क्या लेता है, पूछेगा भी, ठीक, कि इसमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है या इसमें से कौन सी अदिश राशि है, ठीक। इसमें अब देख लिए क्या, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, और अगर हम बात करें तो करंट हो गया, यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा हो गया, दाब, दाब हो गया यानी कि प्रेशर, और उसके बाद बात करें तो ताप, और उसके बाद बात करें ऊर्जा, ऊर्जा हो गया, समय हो गया। ये सभी जो है अदिश राशियां हैं। तो अदिश राशि में केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है। इसमें क्या है, केवल 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 और केवल परिमाण, दिशा नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे में द्रव्यमान हो गया, चाल, आयतन, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ताप, ऊर्जा, समय, ये सब जो है अदिश राशि के एग्जाम्पल है। अच्छा, यहीं पर अब बात करेंगे हम सदिश राशि। तो इसमें से देखिए, ठीक, लेकिन इसमें एग्जाम क्वेश्चन में पूछेगा क्या, विद्युत धारा ये एक सदिश राशि है, अदिश राशि स्टेटमेंट में दे सकता है कि एक अदिश राशि है, ठीक। ताप भी अदिश राशि है, दाब, दाब में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। अच्छा, अदिश राशि का आपको हम बता दें छोटा सा टिप, जैसे द्रव्यमान, अगर आपका इसमें बा है, बा आधा है, बड़ा है बा, तो ये आपके मोस्टली क्या है, अदिश राशि है। लेकिन यही अगर बुआ जहां पर मिलेगा आपको, तो ज्यादातर वो जो है सदिश राशि में रहेगा, जैसे कि वेग, ठीक। इसे ले लिए द्रव्यमान, दाब, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कौन सी राशि की बात करें, फिर सदिश। सदिश राशि में क्या है, सदिश राशि यानी कि इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो सभी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ, इसमें क्या है, परिमाण तो है प्लस, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उनको हम बोलते हैं सदिश राशि, ठीक। जैसे मैं अगर अभी एग्जाम्पल में इसमें बात करें, एग्जाम्पल लेते एक हो गया वेग, अभी ऊपर में बोला था, उसके बाद विस्थापन, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल, बल भी सदिश राशि है, दाब अदिश राशि है, बल सदिश राशि है, ठीक। उसके बाद फिर अगर हम बात करें और, तो इसमें ले लीजिए आप त्वरण, कार्य जो लिए थे वो सदिश थी, अदिश थी, त्वरण सदिश है, ठीक। इसमें और अगर आप लेना चाहें तो और ले सकते हैं, जैसे में आप ले लीजिए आवेग, संवेग,
ये भी जो है सदिश राशि, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी और दिशा भी होती है। ठीक, अब दूरी, दूरी क्या है? दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। ठीक, तो दूरी होता क्या है? दूरी किसे बोलते हैं? किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, मतलब कि मार्ग की जो लंबाई है। वस्तु क्या है? एक समय अंतराल, मान लो 5 मिनट का, 5 मिनट यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ से गया, यहाँ, यहाँ से आया, फिर यहाँ, यहाँ से फिर आया, यहाँ, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, तो ये उसकी पूरी क्या हो गई? दूरी। एक समय अंतराल, इतना दूर में, इतना इतना दूर उसने तय किया अपना। ठीक, लेकिन अगर यही बात करें विस्थापन, तो यहाँ से सपोज यहाँ से गया यहाँ, फिर यहाँ से आया यहाँ, यहाँ से आया यहाँ, यहाँ से आया यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो विस्थापन जो है ये हमारा परपेंडिकुलर दूरी होगा, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक, वो हो गया हमारा विस्थापन। ठीक है, उस विस्थापन आगे देखेंगे, तो दूरी हो गया। दूरी क्या है? एक आदेश राशि है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूरी, दूरी के बारे में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पॉजिटिव राशि क्या है? ये हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है। सुनिए किसी से कि -5 किलोमीटर चला है। ठीक, अच्छा दूरी होगा तो 0 से ज्यादा ही होगा, 0 किलोमीटर तो होता नहीं। तो दूरी जो क्या है? ये धनात्मक, हमेशा ये धनात्मक होती है दूरी। ठीक, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, एक निश्चित समय में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक निश्चित समय में दो बिंदुओं में विस्थापन, एक निश्चित समय में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को हम बोलते हैं विस्थापन। दूरी का मात्रक मीटर था, हमने ऊपर देखा इसका मात्रक मीटर था और इसका मात्रक भी मीटर है। अंतर क्या है? ठीक, अंतर क्या है कि ये आपका धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में अक्सर कि विस्थापन नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक हो सकता है, हाँ हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, हाँ हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है विस्थापन, तो तीनों से कुछ भी हो सकता है, जबकि दूरी केवल और केवल धनात्मक होगा। ठीक, चलिए चाल के बारे में देखते हैं। चाल क्या होता है? चाल एक्चुअली में होता क्या है? तो चाल होता है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा कितना दूरी तय कर रहा है एक प्रति सेकंड में, यही हो गया इसका क्या हो गया? चाल। तो चाल हो जाएगा दूरी बटा समय। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज स्पीड। ठीक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया। अच्छा, चाल क्या है? एक अदिश राशि है। ये भी क्या है? एक अदिश राशि है। चाल आपने देख लिया, वेग, वेग मतलब क्या हो जाता है? विस्थापन नहीं, वेग, सॉरी, वेग मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, विस्थापन अपने ऊपर देखा, विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन के दर
को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, या फिर ये बोल दें एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को ही हम विस्थापन बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हैं। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक। इसका क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तो मतलब कि वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन पर यूनिट टाइम यानी पर यूनिट सेकंड, विस्थापन बटे समय, यानी कि हो जाएगा इसका भी मीटर पर सेकंड इज यूनिट, ओके ठीक। लेकिन ये क्या है? एक सदिश राशि है। वेलोसिटी क्या है? एक सदिश राशि है। नेक्स्ट हम देखते हैं त्वरण। त्वरण, त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, ठीक, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण। ये भी जो है एक सदिश राशि है, ठीक। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन यानी कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी कि मीटर प्रति सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। त्वरण क्या है? सदिश राशि है, ठीक। अच्छा, त्वरण क्या है? ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु की वेग बढ़ रही है, सपोज गाड़ी 5 KMPH की स्पीड से चल रहा है, गाड़ी चला रहे, अपना बाइक ले लीजिए, अब चला रहे हैं या साइकिल या कार, मोस्टली तो बाइक और कार चलाते हैं आजकल, साइकिल और कार चलाते हैं, ठीक। 5 KMPH की स्पीड से चल रहे हैं, थोड़ा देर के बाद आपने 10 KMPH की स्पीड पकड़ लिया, तो मतलब क्या हुआ? आपका त्वरण धनात्मक है, आगे बढ़ा है, यानी कि बढ़ा है आपका वेग, बढ़ा है वेग का परिवर्तन हुआ है धनात्मक साइड में। लेकिन यही अगर आपने शुरू में क्या है 5 KMPH की स्पीड से चल रहे थे, थोड़ी देर में अगर आप आ गए 2 KMPH की स्पीड में, यानी कि क्या हुआ? त्वरण घटा, यानी कि यह हो जाएगा ऋणात्मक। तो यहां पर यह कहता है कि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो वो ऋणात्मक त्वरण होता है, जिसे मंदन यानी कि रिटार्डेशन कहते हैं, और इसको हम कहते हैं मंदन या रिटार्डेशन, ओके। ये हो गया त्वरण के बारे में। अब आते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति बात देखा जाएगा, प्रक्षेप गति में ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना देखना है कि इसका पाथ कैसा होता है। तो प्रक्षेप गति का पाथ आपका जो होता है वो परवलय आकार होता है, और इसका परवलय आकार होता है। अब प्रक्षेप गति हो गया, और जो पाथ में चलता है उसको बोलते हैं प्रक्षेप पाथ, ट्रैजेक्टरी, ओके। परवलय हो गया ये। अब जैसे इसका एग्जांपल मोस्टली पूछ लेगा, तो एग्जांपल क्या होता है प्रक्षेप गति का, कौन कौन से एग्जांपल है इसमें प्रक्षेप गति के, कौन से एग्जांपल है? तो जैसे इसका जो पाथ हो गया हमेशा का हमेशा परवलय आकार ही होगा। अब परवलय आकार जैसे कि आपने देखा क्या, वो पत्थर फेंका ऊपर आसमान में गया, फिर घूम के नीचे आया, ठीक, परवलय आकार हो गया, ठीक। और उसके बाद फिर अगर आप और एग्जांपल की बात करें, धनुष से छुटा हुआ बाढ़, आप धनुष से बाढ़ चलाइए, वो भी परवलय आकार में होता है। उसके बाद फिर हवाई जहाज से गिराया गया बम, हवाई जहाज से बम गिर रहा है, तो वो भी हो गया परवलय आकार। उसका जो पाथ बनाएगा वो परवलय आकार बनाएगा। तो उससे छुटा गोला, और जैसे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, वो भी परवलय आकार ही है, पाथ गया था। ये सब प्रक्षेप गति के जो है एग्जांपल है, और इसका जो पाथ है उसको प्रक्षेप पाथ कहते हैं।
बस इतना ध्यान रखना इसमें। तो हो गया प्रजापति। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, अब इसमें देखें तो प्रजापति में भी कुछ चीजें भी बाकी है। जैसे मैं अगर हम बात करें तो प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति का गति जो है कैसा होता है, द्विभव द्विमी होता है, यानी कि टू डायमेंशनल, टू डी, ठीक। यानी कि ये क्या हो गया, एक समतल में, टू डी डायमेंशन बढ़ाते हैं ना, एक समतल में कोई भी डायग्राम, एक ट्रायंगल ही बना दिए या एक स्क्वायर बना दिए, तो टू डी है, मतलब ये प्रक्षेप गति जो है टू डायमेंशनल है, द्विमी। अगर इसी को किसी भी किसी प्रक्षेप को अधिकतम दूरी फेंकना है, हो सकता है नियर ने फेंका हो 45 डिग्री के कोण से, तो अगर अधिकतम दूरी फेंकना है तो आपको 45 डिग्री के कोण पे फेंकना पड़ेगा। प्रक्षेप की अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 36 से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। जितना अच्छा 45 डिग्री कोण बना लेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं 45 डिग्री कोण बना के छोड़ दिया चला जाएगा बहुत दूर, फोर्स का भी जरूरत पड़ता है उसमें, लेकिन मतलब अधिकतम फेंकना है 45 डिग्री कोण में, अगर अच्छा फोर्स लगाए तो अच्छा जाएगा, ठीक। प्रक्षेप कोण जो है थीटा जो है, अब अगर यही अगर हम बात करें प्रक्षेप कोण, प्रक्षेप कोण थीटा और 90 माइनस थीटा, ठीक, दोनों के लिए 36 फ्रास समान होता है, थीटा या 90 माइनस थीटा दोनों के लिए 36 को 36 फ्रास समान होता है, ओके। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री कोण बनता है। अगर आप कोई प्रक्षेप पथ बना लें, जैसे ये प्रक्षेप पथ हो गया, ठीक, इसका जो उच्चतम बिंदु है, इसमें उच्चतम बिंदु मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेग और त्वरण के बीच 90 डिग्री कोण बनेगा, आपका वेग जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये तो 90 डिग्री कोण बनेगा। वेग और त्वरण के बीच में कितने डिग्री का, यहां पर आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री कोण बनता है। तो प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री कोण बनता है। वृत्ति गति यानी कि सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को थोड़ा देख लेते हैं। वृत्ति गति सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब भी कोई वस्तु क्या हुआ, वृत्ताकार मार्ग पर, ये देखिए वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो इसको हम बोलेंगे वृत्ति गति, ओके, वृत्ति गति हो गया। अभी नहीं हुआ, यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसको एक समान वृत्ति गति कहते हैं। वृत्ति गति वृत्ति पथ में चल रही है तो वृत्ति गति हो गया, और एक समान चाल से अगर चल रही है तो एक समान वृत्ति गति बोलेंगे उसको, ठीक। वृत्ति गति एक त्वरित गति होती है, मतलब क्या हो गया, एक एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, त्वरित गति है, ठीक। वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु को बदलता रहता है, देखिए वेग का दिशा इसमें प्रत्येक बिंदु में बदल रहा है ना, तो भाई वेग की दिशा जो है प्रत्येक बिंदु पर बदलता रहता है वृत्ति गति में। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से हवा में घुमाया जाता है, ठीक, और घुमाने के समय अगर डोरी टूट जाने पर पत्थर क्या होता है, हवा में उड़ जाता है, गायब हो जाता है ना, नहीं भाई आ जाता है वापस जमीन पे, तुम्हारे पास क्यों होएगा, तुम्हारे पास दूर जाना चाह रहा है, क्योंकि उसमें जो है हर एक समझ क्या है, एक्सेलरेशन तो है ही उसमें, और दूसरे में साथ साथ उसमें वेग, वेग क्या है इसमें चेंज होता जा रहा है उसका।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। थैंक यू, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।